राहुल गांधी और स्टालिन आज कोयंबटूर में इंडिया अलायंस की रैली को करेंगे संबोधित। सत्ता के महासंग्राम में बीजेपी को सताया हार का डर, आज दौसा में पीएम मोदी का विशाल रोड शो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धुआंधार रैलियां करेगा कांग्रेस आलाकमान, आज अनूपगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, बिहार की 6 लोकसभा सीट पर होगी चर्चा। आज प्रदर्शन करेगी आप, मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके राजकुमार आनंद की आवाज के बाहर होगा हल्ला बोल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की आज कोर्ट में पेशी, सीबीआई मांगेगी कस्टडी। मैं पलटी मार नहीं पटखनी देने वाला हूं, जयंत चौधरी का विपक्ष पर हमला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र, 22 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, मुरादाबाद और नोएडा में अमित शाह करेंगे जनसभाएं। दिल्ली से लौटे सीएम सुखविंदर सिंह, आज हमीरपुर में संभालेंगे मोर्चा, कई पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। अगर ईरान ने उसके क्षेत्र पर कार्रवाई की तो मिलेगा करारा जवाब, इसराइल के रक्षा मंत्री बोले हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम ने अश्लील सामग्री को धुंधला करना किया शुरू, कहा युवाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम। ब्रिटेन में फैमिली वीजा के लिए लागू की गई उच्च वेतन सीमा, भारतवंशियों को मिलेगा लाभ। कभी भारत को आंख दिखा रहा था मालदीव, अब पर्यटकों को लुभाने के लिए भारतीय शहरों में करेगा रोड शो। बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान में ईद के उत्साह को किया फीका, लोग केवल पानी पीकर तोड़ रहे रोजा। महंगाई से परेशान पाकिस्तान, आर्थिक स्थिति भी खस्ता हाल, एडीबी ने राजनीतिक अस्थिरता को ठहराया जिम्मेदार। नई सरकार के एजेंडे में होगा डॉलर पर निर्भरता कम करना, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर रहेगा फोकस। आरबीआई का बयान, बुनियादी ढांचे पर सरकारी जोर से निवेश चक्र बढ़ाने में मिलेगी मदद। संजीव सान्याल बोले भारत का आर्थिक प्रदर्शन अच्छा, इसे कायम रखने के लिए प्रयास जरूरी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 55 गाड़ियां रहेंगी रद्द, कई ट्रेनों को बदला गया रूट।